नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो देखो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल हमने जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि हमें मेटास्टेबल स्टेट को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो रिक्वेस्ट आप लोगों से। तो आइए पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ लेजर बेसिकली क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ जो लेजर ऑपरेशन होता है ना, द प्रिंसिपल ऑफ लेबर ऑपरेशन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो स्टिमुलेटेड इमिशन और एक एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। हम दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट हम थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका रहता है, हम वो भी करेंगे। तो हमने कल स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है ताकि स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट कर सके और ताकि हमारा लेजर ऑपरेट कर सके। ठीक है ना, तो जो जो कंडीशन हमें चाहिए टू अचीव अ हाई परसेंटेज ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, हाई परसेंटेज स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। पहला तो हमें चाहिए स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन एक क्विक रिवीजन में आपको बता देता हूँ, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, अब देखो ये नॉर्मली हमारे पास देखो क्या होता है, N1 पार्टिकल्स लोअर स्टेट में, N2 पार्टिकल्स हायर स्टेट में। तो जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास लोअर स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है। अब लेकिन यदि हम क्या कर दें, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर दें, यानी हायर स्टेट में क्या कर दें, ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएं लोअर स्टेट की कंपैरिजन में, इसे ही हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है ना, अब ये इसलिए क्या जाता है, अब देखो जब हायर स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ट्रांजिशन होगा और ज़्यादा ट्रांजिशन होगा तो हमारे पास लेज़र एक्शन मिलेगा, है ना, इमिशन ऑफ रेडिएशन विल बी देयर। समझ में आई बात? ठीक है, फिलहाल के लिए बस आप अभी इतना ही समझिए पॉपुलेशन इन्वर्जन में। तो ये होता है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। अब और हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट भी होना चाहिए। अब देखो मेटास्टेबल स्टेट कहने का मतलब क्या है, अब देखो क्या होता है जनरली, अब हमारे पास देखो पार्टिकल्स ट्रांजिशन होता है लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। हायर स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल जनरली लुकता नहीं है, अनस्टेबल रहता है, तो वो कंटिन्यूसली तो वो क्या कर जाता है, वो ट्रांजिशन कर जाता है विद इन अ 10^-9 या 10^-8 सेकेंड। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हम तो उसको ऊपर भेज रहे हैं, वो नीचे आ जा रहा है, ट्रांजिशन कर जा रहा है, तो इस स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, अब ध्यान से देखिए, यदि हम एक स्टेट क्रिएट कर दें, है ना, अब मान लो हमने यहाँ से यहाँ पार्टिकल्स को भेजा, अब वो कंटिन्यूसली ट्रांजिशन कर जा रहे हैं, तो लेकिन हम बीच में यहाँ पर मान लो मैंने क्या क्रिएट कर दिया, कि स्टेट कर दिया जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा समय के लिए रुक रहा है, 10^-3 या 10^-6 सेकेंड के आसपास तक रुक रहा है, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जो ट्रांजिशंस होता है उन स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो 10^-8 सेकेंड के आसपास का होता है। ठीक है, यहाँ पर वो देखो कितना कम समय रुक रहा है तो जल्दी ट्रांजिशन कर जा रहा है नीचे, यहाँ पर वो ज़्यादा समय रुक रहा है तो वो बहुत देर में ट्रांजिशन करेगा और वो उस देर की वजह से हमें समय मिल जाएगा ताकि हम पॉपुलेशन को ऊपर भेज सके। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, मेटास्टेबल स्टेट्स। तो हम इसी के बारे में आज हमें डिस्कशन में पढ़ना है, डिस्कस करेंगे हम इसी के बारे में, ठीक है ना, डिटेल में। तीसरा मैंने बताया था कि एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होगी तभी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन या मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम फोटोन डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए, फोटोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो हम क्या करते हैं, जनरली दो मिरर मैंने लगाए यहाँ पे, ये मेरे पास बीच में मीडियम होगा तो हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन कराते हैं। अब यहाँ बीच में क्या है, मीडियम है। अब देखो एक बार तो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, तो स्टिमुलेटेड इमिशन एक बार हो गया, फिर पार्टिकल रिफ्लेक्ट करके फिर से आया, उसने और जो एक्साइटेड स्टेट में एटम है उसको फिर से स्टिमुलेट कर दिया, उसने फिर स्टिमुलेटेड इमिशन कर दिया, ठीक है ना, रेडिएशन ने फिर वो इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो किसी एक्साइटेड पार्टिकल के से टकराया और उसको स्टिमुलेट कर दिया, उसने फिर से रेडिएशन रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से हम फोटोन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी में। बस अभी आपको हमको थोड़ा सा ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, हम इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक
ठीक है ना। तो लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आज क्या पढ़ना है, मेटास्टेबल स्टेट पढ़ना है कि मेटास्टेबल स्टेट होता क्या है। तो मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ वो एक्साइटेड स्टेट होती है जहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, ठीक है ना, कंपेयर टू अदर एक्साइटेड स्टेट। तो अ मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट वेयर एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्टे लोंगर एज कंपेयर टू अदर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, ठीक है। अब वो ज़्यादा समय के लिए इसीलिए रुकते हैं क्योंकि वहाँ पर ना बहुत कम संभावना होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन की। यदि स्पॉन्टेनियस इमिशन बहुत जल्दी से हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, वो मेटास्टेबल स्टेट है ही नहीं, वहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन होने की बहुत कम संभावना है। अब जैसे मेरे पास ये हो गया है ना, यहाँ ये एक स्टेट है और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने की स्पॉन्टेनियस इमिशन होने की संभावना कम है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहीं रहना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ रहने का क्या मतलब है, इस स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा है, समझ में, इस स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा है। और जिस स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है दूसरी स्टेट से उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना मेटास्टेबल स्टेट में ना जो प्रोबेबिलिटी कम होती है, जो डिकेइंग होता है ना लोअर एनर्जी स्टेट में स्पॉन्टेनिमेशन का, उसकी संभावना बहुत कम होती है, ठीक है ना, समझ में आई बात। हम इस एनर्जी डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। अब देखो जैसे ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट से हमने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की मदद से एक्साइटेड स्टेट में आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखो लाइफ टाइम कितना है, 10^-2 या 10^-8 या 10^-9 के ऑर्डर के आसपास तक का हमारे पास होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन नहीं होता, यहाँ से सीधा ट्रांजिशन का हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकेगा। अब वो जब यहाँ पे रुकेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय तक पार्टिकल रुकता है तो इसका लाइफ टाइम 10^-3 से 10^-6 सेकेंड के आसपास तक होता है, इसके बीच में हमें मिलता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेटास्टेबल स्टेट समझ में आया होगा। बेनिफिट क्या है मेटास्टेबल स्टेट के, तो जैसे मैंने अभी बताया ज़्यादा लोंगर लाइफ टाइम है, इसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है पार्टिकल्स का। अब वो ज़्यादा समय तक वहाँ रुक रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, और जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है लेजर ऑपरेशन के लिए। तो बेनिफिट क्या है मेटास्टेबल स्टेट का, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन, समझ में आई बात, ठीक है। अब मेटास्टेबल स्टेट को हम बना कैसे सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स में क्या होता है, इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, और इम्प्योरिटी एटम्स में हम मेटास्टेबल स्टेट्स को बना सकते हैं कैसे। अब देखो, और ये मेटास्टेबल स्टेट कहाँ लाई करेंगी, दे लाई इन द फॉरबिडन बैंड गैप ऑफ द होस्ट क्रिस्टल। अब मान लो मेरे पास ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना, अब इसमें मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर, तो इस क्रिस्टल का ये एनर्जी स्टेट हो गई, और ये क्या, फॉरबिडन गैप है, मतलब इनके बीच में यहाँ पर कोई एनर्जी स्टेट नहीं होती। तो मैंने क्या क्या, एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी, उस इम्प्योरिटी की वजह से एक एनर्जी स्टेट क्रिएट हो गई यहाँ पर, समझ में आई बात, एक एनर्जी स्टेट क्या हो गई, क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब मान लो ये क्या ले लिया मैंने, E2 ले लिया, तो ये क्या है, इम्प्योरिटी एटम की एनर्जी स्टेट है। इस एनर्जी स्टेट का जो लाइफ टाइम है इस एनर्जी स्टेट की तुलना में ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर 10^-8 सेकंड के लिए रुक रहा है, यहाँ 10^-3 सेकंड के लिए रुक रहा है, समझ में आई बात। तो यहाँ देखो ज़्यादा समय है, यहाँ ज़्यादा समय के लिए रुक रहा है, तो हमने इम्प्योरिटी की मदद से ना क्रिस्टल एटम में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, मेटास्टेबल स्टेट बना दी, समझ में आई बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये है, अब जब मेटास्टेबल स्टेट हम बना पाए फॉरबिडन गैप में, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से हो सकता है क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। और ये लोकलाइज्ड होती है, लोकलाइज्ड कहने का मतलब अब ये यहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटी की मदद से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात। वो टोटली डिपेंड करेगी हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की है उस पर। अब इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इम्पोर्टेंस वही है क्या, यदि देर कुड बी नो पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड हैंस नो लेजर एक्शन इफ मेटास्टेबल स्टेट डू नॉट एग्जिट। मेटास्टेबल स्टेट ये एग्जिस्ट नहीं करेगी यदि, तो क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर एक्शन भी नहीं होगा,
समझ में आई बात। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने कवर किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, दो तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।